लो जी सियाण ओखा ए केड़ा बंदा खड़ा होया। सियाण बिल्कुल हूँ असा उत्तू इन साफ सफाई कर ली आ, हूँ इन असी जी उतार लेने हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी मक्खियां ना फिर बह जाओ। ए चेक कर सकते हो माखी, ठीक है ना। बाल्टी दे बोतल है इस बंदे दी ना, स्पेशल सख्ती बने होंदे ने सारे जने। ए वेखो जी बड़ा बड़ा फड़े ना, ओ मर जासी बेच बेचारा। तू की कर रही है? नी बूट साफ कर रही है अली दे, तू भी जाना स्कूल। माशाल्लाह रोटी खा ली मम्मा दली, नाश्ता करा दिता ना। चंगी तरह सोना बना के पेच। वेखो करीमा भी लांदी पई है। प्यारे तो सारी औलाद आंदी है, गल नहीं आखी जांदी। फ्रिज की साफ सफाई की जा रही है और हुण करन लगे असी बर्फ बनानी शुरू, क्योंकि अगों हुण गर्मी आ रही है। तो वैसे तो वैसे सर्दियां चलती ही रही है, फ्रिज इन्ना ज्यादा बंद नहीं रही है। आपां ही करिए छोटियां छोटियां लईए बाल्टियां को लिया ना। अच्छा ओंदे च चार या पांच रखी गईयां पासे। चलो आ तीन रखी ना, आ मोर बुआ ना दरवाजा नहीं दिखदा सही तरह। और छोटियां बाल्टियां किलो किलो वाली ला लो। हां सही है, डब्बे जे होंदे आ। हां चार या पांच आ गईयां ना, मोड़ होंदा ना बर्फ ही नहीं मुकदी ते दुआ ओनी बंद भी हो गया कुर्सी। चलो सही ओने सगो एक कतराए रखी ले सिर्फ, ते बुआ बंद नहीं होंदा जल्दी। मेडिसिन वे सारी आसियां ने जमा कीती है, मेडिसिन वगैरह चाह लिया जड़ियां गोलियां छोड़ियां हैगियां। ये ना थले वाले खाने रखी दी ने, जड़ी सिर्फ दवाई होंदी है, बाकी है सारियां गोलियां जिन्नियां कहगियां ने सारियां चक ला। आ ये जड़ी दवाई पई है ना ए वाली, ए दारू जिया ए चाक ला। दारू नहीं है, होर है की है, ते कार्ड है अपने। ओ या पे या वेख ते सही, होर की रिमोट भी बेच पिया है। ये तो साडा सारा स्टोर रूम इन दे वेच ही बनया पिया है, सी जिन्नी हर शय है बना लियो या वेख का उधर रखी है। इन दे च हुण सारी हर शय काढ ले, इन दी साफ सफाई करके ना, ते इन दे वेच आपां बर्फ जमाईए। ए वेखो सारियां सुइयां, दूसरा की ना किल काबला सारा जमा कीता, नहीं इन दे च ना रख असी इन्हों रख दे बेच रख दे उन्दे बेच कोई खाने दे बेच थले रख दे पर इन्हों किसी होर चीज रख दे इत्थे ना रख। ऑन की हुण कंप्रेसर जिहड़ा ना काम ही नहीं कर रहा फिलहाल, देखण रुकिया खड़ा। बहरहाल जी ऑन करके ना इन चार नंबर तो कर दिता, आंद तक देखांगे बर्फ पान पाती है जी। नहीं बिल्कुल हूँ ताज़ा पानी रखे और आवाज़ तो कड़ी भी है, इधरों ठंडक भी है। बच्चे चले गए स्कूल, जल्दी कर तेरा ही टाइम होया खड़ा, की कर रहे हूँ? दूध ठहरेगा फिर पिएगा फिर जाएगा। साढ़े अठ तकरीबन होने वाले ने, 8:20 हो चुके हैं, इन्हें छड़ के तो फिर असी काम ते जाओ। तुसी इत्थे बैठे हो स्कूल नहीं गए? जाओ टाइम होया खड़ा, स्कूल जाओ। हैं उठो, तुम्हें तैयारी कर ली है, चलिए। वाह घड़ी पाई फिर दे मम्मा दली, वो भी टाइम गलत है, 10 मिनट टाइम पीछे आ। हाँ भी अमीन है, 2 तरीक मुड़ पक्की है, पक्की है। कपड़े कुपड़े लाए दिते बालन? कोई नहीं अजे कपड़े ही नहीं लाए दे, टाइम तक तुरा है कोई नहीं गया। क्यों जिक्र होर कपड़े है कि और नवे लैने हैं? नहीं एक एक सूट लाए दे
टाइम जी 2 मार्च का पक्का हो गया, शादी का मुकर्र तय हो गया। तो साड़ी भी तैयारी शारी कोई नहीं है। खैर हजे तक तो असी 2-3 दिन काम करांगे मजीद, तो कुछ पैसे उदों मिलते हैं, कुछ कल आए अलहमदुल्ला तकरीबन तुम दस्या 16-17 हज़ार रुपया बच गया, और रला मिला के कोई अपने शादी के कपड़े छपड़े तो बाकी जी है ना कोई थोड़ी बहुती उन्होंने समान वगैरह जो भी रहा कि वरी वरी का कहते हैं जोड़ा, ठीक है ना, वो बनावे जितना भी मतलब हो सकया। तो भाई साहब ने भी कहा भी कुछ पैसे तू भी सेंड कर ताकि रल मिल के जोड़ा ना ये निज़ाम चलाया जा सके। खैर उन्हें आख्या भी तकरीबन मैनू तो 20 तरीक न मिलने आ, उस तो पहले अगर तुम जरूरत है तो फिर तुम दसो, तो जरूरत तो मतलब होनी हैगी। कल उन्हें अपना फोन फिर सेल कर दिता, तो बटना वाला फिर फोन उन्हें ले लिया 4,000 का बकाया जरा तकरीबन कोई 14,000 रुपया उन्हें मैंने सेंड किया। तो कुछ ये रला मिला के तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ निज़ाम जरा ना तकरीबन नेड़े लग जाएगा, बाकी अगे अल्लाह मालेगा। खत्म कर लिया और हूँ असी जा रहे हैं कल वाला शायद जरा ना तुम दिखाया सी माखी वो लावन, उस तो बाद काम काफ़ी हैगा वो मजीद करना है, इतों का मतलब काम जरा ना खत्म कर लिया। और मैं समान जरा ना नाल लैके आंदा होया, एक है छाननी है कपड़ा हैगा, एक उनके छाननी बननी हुई है, बाल्टी हैगी ते दात्री, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इनू बन लेने ताकि असी सिर्फ वीडियो बनानी है, तो मैं जरा ना अपनी कार्रवाई करनी है माखी लावण वाले, अस जने माल्टे भी खाने हैं जेडे बूटे ते माखी लग्या होया नहीं, इस तरह करके बननी होंदी, ठीक है ना। जिस टाइम बन लैने तो उत्ते करने बिल्ले च बजने फिर तुहानू दिखाने किस तरह इनका प्रोसैस होंदा हैगा। असी तो मतलब अपने तजर्बे नाल लाने कि यह साडा तजर्बा है, बाकी मजीद भी इंदे डिफरेंट तरीके होंगे ने उतारण के, ये सिर्फ हिफाजत वास्ते होंगे भाई ताकि मक्खियां जड़ियां ना इन्नियां जहरीलियां होंदियां लड़ ना जावन। चंगी तरह बन लईए वो ना वे उत्थे खुला पिया होवे मक्खियां जड़ियां दुआले हो जावन। कोशिश तो असीं फुल करांगे कि पूरी वीडियो बना के तुहाडे नाल शेयर करिए के किस तरीके ना उतारिया जाता है वो जा सीधा तू तो इत्थे इंजन बन लें। लो जी सियाण खां ए केड़ा बंदा खड़ा होया छाननी च इन्हू पैक कर दिता है, मैं भी इस तरह ही पैक होना है जी। मजीद सानू जरूरत पवेगी जी थूम वास्ते और यह असी बना लिया जी थूम, मतलब एक तूणी देने लई इस तरह की तूणी, ठीक है ना, पट्ठे तो बेच पाई है छोई और इनू हम जल्दी ना जला लें। माखी आओ सामने बूटे तो है जी, तो मैं भी हो चुका जी रेडी, थूम ही कर लिया रेडी। ए देखो थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता पे, थोड़ा ही निकलता है, खैर और थोड़ी जी अग ला लें। नेड़े आ जा मेरे नेड़े आ, दूर ना खलो, चला दे चल ही आई। ओके जी, तो असं पहुँच चुके हैं बिल्कुल करीब माखी के, ध्यान नाल भाई साहब किसी नूं लड़ ना जावे।
भूखे मरी जाना और नजर को नहीं दिया। बकियां उड़ दिया बिच नेड़े आ दूर ना कैमरा मेरे लगा रहा मेरे लगा इतना ही खलो। लो जी बिल्कुल हूँ असा उत्तू इन साफ सफाई कर ली आ हूँ इन असी जी उतार लें ठीक है जल्दी जल्दी मक्खियां ना फिर बह जाए चले हो जोर नहीं चलिया हो चले चक 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 चलता पे हाँ जी ए चेक कर सकते हो माखी ठीक है ना अपन बोतल पान के ना चक लेने किस बच्चे ने काम दे जाए मक्खी बड़ी है मगर ध्यान ना तो डर जामना है रहा जी साडा असली प्योर देसी हनी शायद शायद इनू हनी नहीं कह सकने बड़ा शायद हैगा है तो देसी ना होना अद्धा किलो चेक कर अद्धा किलो भी 900 रुपए का है 1800 तू किलो आ वाह वेच खैर कचरा कुचरा गिर गया साफ सफाई कर लवेंगे इनू अजय मक्खियां वेच ही लगियां फिर दिया वो चूस दियां वदियां बेचारियां। लो जी उधरों असी काम खत्म करके इत्थे आ चुके हैं चार च फिर तुसी देख सकते हो साडे मक्की ही मक्की पई हुई है ये मकई हुण गाणी आ पहले भरनी है तोड़ियां दे विच फिर गाणी आ ते तकरीबन 2.5 किले मकई आ सामने नलका लग्गिया होया मेरा दिल कुछ दिन फिर उत्थे बहने पानी शानी पीने हाथ मूँह धोने हाथों का हालात चेक कर वगैरह भुख भी काफ़ी लगी हुई है आंदे हुए अस नान ले नलका लगता बिलकुल ही फारे की आते पानी खाली है एवं किनार उन्होंने छोटी जी मस्जिद भी बनाई हुई शायद कभी डेरा आबाद हैगा सी हूँ बिलकुल ही खत्म होया पाया कितने वाग से उधर चलिए मैं तो आया सी पानी वास्ते मैं आखे भी इत्थे हैगा पानी तो चलो नमाज पढ़ने लेकिन पानी भी कोई नहीं हैगा आसिया कल्ली ने भर देनिया सारिया ही छलिया ओ देखो कितों अभी टुरे हैं ये इस पासे भी लगी है भाई लेबर कल्ली को नहीं लगी खड़ी इस बंदे दी ना स्पेशल सख्ती बने होंदे ने सारे जने ऐ वेखो जी गोड़ा बड़ा फड़े ना मार जासी बेच बेचारा ओए कर नाल चा के किते ले जा ले जान है ओए ते मैं यार उल की तेनु आख्या है कदी कोई इन पै जांदा कदी कोई पै जांदा मार जे दे बेचारा अड़िया रिमोट ते ओ हैगा वेख वाला बंदा ही मान हर टाइम इहदे नाल शुगल बनाए जाने एनी टाइम नहीं होना ओए ओ मैं अगे आ गया इत ना नहीं होना यार खलो तो चा ले गई पता ही की गल हमेशा जड़ी गल खिली होवे ना उन मर्चा लगदी ओ केड़ी सिद्धी है नहीं ओ केड़ी सिद्धी है तोड़े सारे जी खत्म हो गए सी और उस तो बाद ला लिया जी ढेरियां ताकि मशीन आवे ते फिर कुछ तोड़े सट्टी जावेंगे ते कुछ बाकी जड़ी है ना उन दे नाल पलियां च पा पा के खैर मशीन भी आ चुकी है ऐ भाई साहब लैके आ रहे काफ़ी टाइम हो चुके सानू वेट करदे आ उस तो बाद असी ऐ ढेरियां लानियां शुरू कर दित्तियां मैं चलो आंदे कुछ ना कुछ काम निबड़ जाएगा ते हुण टाइम इन्ना ज़्यादा नहीं लगना हैगा पहले बहुत टाइम लग जाना सी अगर साड़ी परण वाली पई होंदी तां
पी आ तकरीबन छलियां साड़िया खत्म हो गई, बस थोड़िया बहुत है जड़िया लैके हूँ आ रहे हैं। रात के 8 का टाइम हैगा जी और फ्रिज में आन के तो हूँ ही तकरीबन बंद करी आ, असी हूँ ही काम तो वापस आते पे चेक करने एक बर्फ बनी है कि नहीं। वाओ माशाल्लाह बर्फ तिना कौलिया दे विच फुल बटा फुल जमी पई आ, तकरीबन मैं फुल भी मतलब नहीं सी चलाई हैगी, बिजली भी पता नहीं टिकी रही है या नहीं, हजे तक है नाल भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ जी ना चिपकी पई आ, बिच दुध रखे असी शायद ये भी बर्फ बड़ा पे हो गए देखने हैं। लो जी ए भी बिल्कुल फुल जम गया हुआ दुध, हूँ इन चाय वगैरह बनाने खाना शाना अजे बनाना है। और अज ना हालत ही काफ़ी खराब जी हुई भी है, बुरी हुई भी, मतलब है कि मैं दिन तकरीबन नहा धो लेंदा सी, अज सारा दिन तकरीबन साडा उत्थे ही गुजर गया कामा कारां विच, ते हुण जिहड़ा ना नहा धो के नमाज पढ़ने उस तो बाद खाना खावांगे फिर आराम करांगे इंशाल्लाह। ते इजाजत चाहते हैं इस ब्लॉग तो अगले ब्लॉग तक इंशाल्लाह, कल होगी मुलाकात, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।